भाइयों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे एक हिडन जिम इन टाटी सिल्वे, जहाँ मैं रहता हूँ। टाटी सिल्वे मेरा होम टाउन है, तो यहाँ एक जिम है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो हम उसे ही रिव्यू करने जा रहे थे कि वो जिम कैसा है, कितना अफोर्डेबल है, कैसा रहेगा वर्कआउट के लिए। तो मिलते हैं आपको जिम में। किशोर भैया के जिम में, जो कि यही टाटी सिल्वे में है। भैया वर्कआउट कर रहे हैं। हाय, अब मिलो आता हूं। अरे वाह भैया, बाइसेप्स मार रहे हैं। वाह, पंप तो बहुत अच्छा आ रहा है। वाह भैया, ऐसी बॉडी आपने यही बनाई है भैया? हाँ, यही बनाया है। वाह, बहुत अच्छा पंप आ रहा है भैया आपके बाइसेप्स में। ये हमारे राज किशोर भैया, आइए इनसे बात किया जाए इनके वर्कआउट खत्म हो जाने के बाद। हाँ तो भैया, ये जिम आपने कब खोला? ये जिम 2018 में खोले थे। 2018 में? वाह, मतलब 2 साल हो गया इस जिम को। 2 साल पूरा हो गया। वाह भैया, सामान तो पूरा रॉ लेके आए हैं, कहाँ से लाए सामान? सामान इसे उरमानी से लाए थे। अच्छा अच्छा, कोई पर्टिकुलर जिम का ही सामान था क्या? हाँ, पर्टिकुलर का ही था। सामान तो काफ़ी अच्छा है और ओल्ड स्कूल है। तो अभी यहाँ स्ट्रेंथ कितनी है भैया, कितने लड़के आते हैं यहाँ पे? यहाँ वही करीब 15-20 लड़का है। 20 लगभग लड़का यहाँ आता है। अच्छा, तो जिम फीस कितनी रखी है भैया आपने? फीस यहाँ का एडमिशन फीस 300 रुपये रखे हैं जी, और मंथली चार्ज वही 200 रुपया। जी जी जी, पर तो पहला महीना अगर कोई आएगा तो उसको 300 देना पड़ेगा। हाँ, फिर हर महीने से उसको 200 देना पड़ेगा। 200 रुपये देना पड़ता है। सही बात है भैया, पूरा लोहा वाला सामान रखे हैं? नहीं, पूरा लोहा है। लोहा, रबर और लोहा में फर्क होता है, मैंने पहले भी बताया था कि लोहा लोहा होता है, रबर रबर होता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
लोग जो मारेंगे ना, ये है पुराना जमाने का लेग प्रेस। ये मैंने कभी पर्सनली नहीं देखा था ऐसा कुछ। बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कोर पे, क्वाड्स पे और हैमस्ट्रिंग्स पे भी। लेग्स का लेग साइड नहीं, लेग्स का पास नहीं, लेग्स का। अच्छा रहा, जिम बहुत अच्छा था, इक्विपमेंट सारे थे, वर्कआउट पूरा किया जा सकता है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, तो मुझे बहुत अच्छा जिम लगा। तो भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? जिम बहुत ही बढ़िया था, जैसा कि मैंने बोला हुआ बहुत पहले कि जिम कोई भी ख़राब नहीं होता है, सारे जिम बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास जैसे पैसे हैं आप वैसे जाकर वर्कआउट कर सकते हो। वैसे जिम बहुत अच्छा था, वर्कआउट बहुत अच्छा रहा। आप भी वर्कआउट कीजिए और फिट रहिए।